हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और आज के इस वीडियो में हम लोग एकेटी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आपके सामने आए हैं, और स्टूडेंट्स का जो कि कमेंट भरे रहते हैं कि सर एग्जाम कब होंगे, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वालों के, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं, और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एकेटी यूनिवर्सिटी के, मैंने अभी आपको बताया कि एक ऑफिशियल नोटिस आया, तो सबसे पहले देख लेते हैं नोटिस क्या है। मैंने ये नोटिस ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 29 जनवरी 2024 का ये नोटिस है। क्या नोटिस रहने वाला है देखिए, अगर जो हम लोग, क्योंकि हम लोग बी फार्मा के स्टूडेंट है, तो हम लोग बी फार्मा के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट सेमेस्टर का क्या है जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रिलेटेड ये अपडेट है कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आप लोगों को क्या है, प्रथम चरण की परीक्षा हेतु आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, वही यहाँ पर क्या है इस अपडेट में बात बोली गई है। तो यहाँ पर क्या है, फिफ्थ और सेवन सेमेस्टर के स्टूडेंट को ये तो क्लियर हो गया कि उनका प्रोजेक्ट सबमिशन कब होना है, क्योंकि सेवन सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी रहती है, सारा का सारा चीजें जो आपकी ट्रेनिंग रहती है सब कुछ, तो ये हो जाएगा आप लोगों का अपडेट। दूसरी चीज की सर आपने बोला था कि एग्जाम कब से होंगे, देखिए मैं अगर जो आप लोगों को एक ओपिनियन दूं कि एकेटी यूनिवर्सिटी ने अभी किया करके क्या रखा हुआ है, देखिए अगर जो आप लोग देखें तो क्या है कि एकेटी यूनिवर्सिटी पे क्या हुआ था अभी कि बैक पेपर का एक फॉर्म आए थे कुछ टाइम पहले, अगर जो मैं बात करता हूं तो बैक पेपर के फॉर्म वो बोले गए थे क्या है सीनियर के लिए है, यानी कि सेवंथ और एट सेमेस्टर वालों की जिनकी बैक लगी हुई है वो उस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेरा सिंपल सा पहला क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पोर्टल पर बैक का फॉर्म क्यों दिखाया गया और उन्होंने फीस भी सबमिट कर दी, तो वो फीस का क्या होगा, किसी के पास कोई आंसर नहीं है उसका। उन स्टूडेंट का क्या है, क्या आया एकेडमिक कार्ड भी आया, एकेडमिक कार्ड मतलब क्या है उनका एनरोलमेंट नंबर के साथ में क्या है उनको एग्जाम देने की परमिशन भी मिली है ना, उन लोगों को क्या है सारा क्राइटेरिया हुआ, सब कुछ फिलफिल हुआ। अब फिर एकेटी ने एक और नोटिस जारी कर दिया, भैया ये तो सीनियर्स के लिए था, जूनियर को इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो भैया बैक का जो फॉर्म भरा गया था उसका पैसा कौन देगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो यहाँ पर क्वेरी आ रही है कि सर जो हमारा रीएवेल्यूशन का रिजल्ट था वो अभी आया नहीं है, या फिर आ गया तो कैसे पता करें, तो उसके रिलेटेड भी कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है। तीसरी चीज, मैं एकेटीयू का एकेडमिक कैलेंडर देख रहा था 2023-24 सत्र वाला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2023-24 सत्र वाला, और मैं इस पर जब नीचे स्क्रोल डाउन करता हुआ गया और यहाँ पर क्या है एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक चीज लिखी हुई है क्या कि 15 दिसंबर 2023 से जनवरी 5 2024 तक जो क्या है आपके सीनियर्स है, फिफ्थ सिक्स्थ जो ही हमारे सीनियर्स हैं ना, जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट है उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें किसके बारे में, हमारे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट बी फार्मा वाले भी, देखो बी फार्मा यहाँ पर लिखा है, तो कब से 1 जनवरी से 20 जनवरी तक आप लोगों के क्या है एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन हो जाने थे, यानी कि थ्योरी के एग्जामिनेशन आपके एंड हो जाने थे। वहीं पर ये एक नोटिस मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 26 फरवरी लिखा हुआ था एक नोटिस में, तो भैया कौन सा ओरिजिनल नोटिस है वो तो हम लोगों को भी नहीं पता लग रहा, ये भी नोटिस मैंने एकेटीयू की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड अपडेट है, प्रैक्टिकल लिखा हुआ है 21 जनवरी से जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं बी फार्मा, देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से कमिट कर रहा हूँ, बी फार्मा के स्टूडेंट 21 से 27 जनवरी तक आपके प्रैक्टिकल खत्म हो जाने थे। भैया 31 तारीख आ गई है एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, अभी टाइम टेबल नहीं आया, टेंटेटिव टाइम टेबल नहीं आया, तो एग्जाम कब होंगे वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है। तो देखिए अभी जो हाल ही में अपडेट देखने को मिल रहा है वो क्या है कि एकेडमी के एग्जाम 26 फरवरी यानी कि आखिरी वीक ऑफ फेब है ना उसमें स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर मार्च के पहले हफ्ते में एग्जाम आप लोगों के स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब एकेटीयू को आप लोग मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप लोग स्टूडेंट पावर है, मैं यही बोलूंगा कि अगर जो आप लोगों को अपना सेशन 4.5 या 5 साल में बिहार की तरह कंप्लीट नहीं करना है तो ट्वीट कीजिए उनको, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं, दिसंबर में एग्जाम खत्म होकर के जनवरी में उनका अगला सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों के अभी तक एग्जाम नहीं हुए, मार्च में एग्जाम लेगी, मई जून तक रिजल्ट देगी, कब तक वेट करते रहोगे, तो भैया इनको मेल करो ट्वीट करो कि प्रभु हमारे एग्जाम ले लो है ना, काहे को लेट कर रहे हो, क्योंकि फिर सेकंड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में बेटा तुम लोगों को ही कम टाइम मिलेगा, क्योंकि कि जून जुलाई में पेपर उधर भी हो जाने, ठीक है, मार्च में तुम इससे खत्म हो गए, अप्रैल और मई का टाइम मिलेगा तुम्हें खाली अपना अगले सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज इनको मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए,
है ना, कोई भी कहे किसी का AKTU में कांटेक्ट हो तो अपने कॉलेज से मेल कराए कि एग्जाम जितनी जल्दी हो सके कि हमारे एग्जाम ले लीजिए क्योंकि हम लोग तैयार हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर भी आपको दिखा दिया और ये पूरा का पूरा अपडेट भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, दोनों PDF मैं एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से जाकर के इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। टिल देन मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।